चलिए मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात, भोजन में भात का, तत्वों में सात का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। घर में चलने का, बच्चों के पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। नहीं करने में साजिश का और घर में माचिस का और आने वाली बारिश का। सबका महत्व है ना। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में सहारनपुर का। और कहाँ से आए हैं? आसाम। सिरदर्द में बाम का, सुबह के बाद शाम का और आने वालों में आसाम का। बाम लगाते भी है। अच्छा, सारे हो गए। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोले भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोले विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, जीवन में ज्ञान बहुत जरूरी है। जीवन में ज्ञान बहुत जरूरी है। यदि घर में बच्चा बिना दिमाग का पैदा हो जाए, कितनी परेशानी होती है। अपने हिसाब से वो खाता नहीं है, अपने हिसाब से रहता नहीं है, सारा काम आपको करना पड़ता है, परेशानी होती है ना। अरे बोलिए ना, होती है कि नहीं होती है, है ना। और बच्चा यदि अच्छे दिमाग वाला पैदा हो तो खुशी होती है। मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरा बेटा फर्स्ट आता है, मेरा बेटा तो साइंटिस्ट बन गया, मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा तो बैंक में काम करता है, बहुत खुशी होती है। जीवन में यदि सबसे ज़रूरी चीज़ है तो वो है ज्ञान। क्या जरूरी है? ज्ञान। ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। देखा जाए तो आत्मा ज्ञान के बिना रहती ही नहीं है। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान हमारा स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा, अग्नि का स्वभाव गर्म, ऐसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। लेकिन ज्ञान का क्षयोपशम, अभी आप जो बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान की मैं चर्चा कर रही हूँ, जिस ज्ञान की आप चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान है क्षयोपशम वाला। कौन सा ज्ञान है? क्षयोपशम वाला। क्षयोपशम का मतलब होता है कि कुछ उघड़ा हुआ और कुछ दबा हुआ। जितना जितना उघड़ा हुआ है उतना उतना हमें ज्ञान है, जितना जितना दबा हुआ है उतना उतना हमें ज्ञान नहीं है। तो मनुष्य पर्याय में ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा हो सकता है। होता है ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है। तो ज्ञान के माध्यम से ही हम संसार के सारे कार्य करते हैं,
हमें भोजन बनाना है, हमें दुकान चलानी है, आपको जितने भी काम करना है, चाहे बच्चों का पालन पोषण हो, चाहे धर्म हो, चाहे पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे प्रवचन सुनने का काम हो, यदि ज्ञान नहीं होगा तो आपको प्रवचन ही समझ में नहीं आएंगे। आप बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा जब छोटे होते हैं तो उनके ज्ञान का क्षेत्रफल कम होता है। बच्चे जब ज़्यादा छोटे होते हैं तो उनके ज्ञान का क्षेत्रफल कम होता है। यदि ज्ञान का क्षेत्रफल कम होता है तो उन्हें प्रवचन समझ में नहीं आते हैं, और जिन बच्चों के ज्ञान का क्षेत्रफल अच्छा होता है उन्हें प्रवचन समझ में आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरा प्रवचन सुनते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं सुनते हैं। तो जो जिन जो सुन रहे हैं उनका ज्ञान का क्षेत्रफल अच्छा है, उन्हें समझ में आ रही है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, हर बात उन्हें समझ में आ रही है। तो यदि जीवन में सबसे जरूरी चीज है मनुष्य पर्याय में, तो ज्ञान का क्षेत्रफल बड़े पुण्य के उदय में मिलता है। करोड़ों पुण्य कमाओ तब कहीं जाकर मनुष्य पर्याय मिलती है, और कई करोड़ों पुण्य कमाओ तब कहीं जाकर ज्ञान का क्षेत्रफल मिलता है। और ज्ञान है तो सब कुछ है, और ज्ञान नहीं है तो दुनिया को भी जानना है तो ज्ञान की ज़रूरत है, धर्म को भी जानना है तो ज्ञान की ज़रूरत है, आत्मा को भी जानना है तो ज्ञान की ज़रूरत है, और परमात्मा को भी जानना है तो भी ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के ना संसार को जान सकते हो ना परमात्मा को जान सकते हो, दोनों के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अब आपका बहुत पुण्य का उदय है, आपके ज्ञान का क्षेत्रफल बहुत अच्छा मिल गया है। अब इस ज्ञान को आप कहाँ लगा रहे हो, देखने वाली बात ये है। ज्ञान को कहाँ लगा रहे हो, इस जन्म में आपको अच्छा ज्ञान मिल गया, अब उस ज्ञान से आप ज्ञानावरणी कर्म का बंध कर रहे हो, या उस ज्ञान से आप ज्ञान का क्षेत्रफल और बढ़ा रहे हो। तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध मैंने कल बताया था कि बहुत कारणों से तत्प्रदोष निन्नव मात सार्यांतराया साधनोपघाता है ना, तो इससे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। दूसरे के ज्ञान से ईर्ष्या करना, ज्ञानियों का अपमान करना, अपने ज्ञान को छुपाना, इससे क्या होता है, ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। प्रवचन का अनादर करना, प्रवचन सुनने की भावना नहीं होना, तत्व चिंतन की भावना नहीं होना, है जैन धर्म को स्वाध्याय की करने की भावना नहीं होना, आत्मा परमात्मा को जानने की भावना नहीं होना, इन सब से क्या होता है, ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है, है ना। यदि आप जो हैं प्रवचन सुनेंगे तो क्या होगा, ज्ञान का क्षेत्रफल होगा। तो जिस समय किसी की निंदा आप कर रहे हैं, जिस समय आप किसी की निंदा कर रहे हैं, चलो मैं नहीं बताती हूँ, आप बताइए कौन से कर्म का बंध हो रहा है। दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की निंदा करने में कौन से कर्म का बंध हो रहा है, एक तो ज्ञानावरणी कर्म का। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम अज्ञान की बात कर रहे हैं। हम ज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम अज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। दूसरे के दर्शन में, दूसरे के ज्ञान में बाधा डाल रहे हैं तो दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा। हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो नीच गोत्र का बंध होगा। अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है ना। हम जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके प्रति हमारा क्रोध है, उसके प्रति हमारा बैर है, कोई ना कोई कारण होगा तभी आप निंदा कर रहे हो। बिना कारण के निंदा नहीं कर रहे हो तो मोहिनी कर्म का बंध होगा। उस वो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उससे ग्लानि रखते हो, ईर्ष्या रखते हो, तो आपका मोहिनी कर्म का बंध होगा। यानी एक काम करने से कितने सारे अशुभ कर्म का बंध किया, शुभ कर्म का नहीं, अशुभ कर्म का।
ज्ञानावरण का किया, दर्शनावरण का किया, मोहिनी की किया, और उस समय सातावेदनी का बंद नहीं होगा, सातावेदनी का बंद होगा दूसरे की प्रशंसा करने में और दूसरे की निंदा करने में असातावेदनी का बंद होगा है। तो वेदनी, असातावेदनी, मोहिनी, आयु में भी अशुभ आयु होगी, गति में भी अशुभ गति होगी है ना, और अंतराय कर्म, दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो अंतराय कर्म का बंद होगा क्योंकि तुम दूसरे के ज्ञान में बाधा डाल रहे हो। वो जिस समय तुम्हारी निंदा सुन रहा है तो उसके ज्ञान में बाधा आ रही कि नहीं आ रही, हो सकता वो पूजा कर रहा है, हो सकता वो स्वाध्याय करने बैठा और आपने उसे निंदा बुराई में लगा दिया, वो नहीं भी कर रहा है तो आप में यदि निंदा को वो सुन रहा है तो उसके भी ज्ञानावरण कर्म का बंध हो रहा है और रुचि से सुन रहा है। जितनी रुचि से आप निंदा कर रहे हो उतनी रुचि से वो निंदा सुन रहा है, तो जितने कर्म का बंध आपको हो रहा है उतने ही कर्म का बंध उसको भी हो रहा है। आप निंदा कर नहीं रहे हो लेकिन रुचि से चटकारे ले लेके सुन रहे हो, और क्या हुआ फिर उसके बाद उसने क्या कहा, अच्छा फिर उसने ऐसा कहा, आप चटकारे ले लेके सुन रहे हो तो जितने कर्म का बंध उसका हो रहा है उतने ही कर्म का बंध सुनने वाले का हो रहा है। एक काम करने से 8 कर्मों का बंध हो गया, और उस समय यदि आप के आयु कर्म का बंध हो जाए तो फिर तो अशुभ आयु में ही जाना पड़ेगा, शुभ में जाने वाले तो रहे नहीं। तो इस तरह से आदमी यदि निंदा बुराई में लगा है तो मुख्य ज्ञानावरण कर्म, ज्ञान का क्षयोपशम जो मिला है, जैसे कहते ना किसी को धन मिले तो उसका दुरुपयोग कर रहा है, शराब पी रहा है, है दूसरे की हिंसा करवा रहा, दूसरे को कष्ट दिलवा रहा, धन मिला है तो धन का क्या हो रहा है, दुरुपयोग। ऐसे ही यदि ज्ञान हमारा है और उस ज्ञान से हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं, तो ज्ञान हमारा है और उससे पाप कर्म का आश्रय हो रहा है, तो ये समझना कि हम अपने हाथ से अपने धन को बुरी जगह लगा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कई बच्चे बहुत ऐसे पैदा होते हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता, कई बच्चे तो पिछले जन्म में कुछ तो किया होगा। अब लोग कहते नहीं, हे भगवान हमने इस जन्म में ऐसा तो कोई काम किया नहीं, कहते कि नहीं कहते हैं, किए किए कि नहीं किए। अब मैंने जो अभी बताया उसमें कर्म का बंध हो रहा कि नहीं हो रहा, दूसरे की बुराई निंदा करने में हो रहा है ना। मैंने आपको एक बात बताई है, ऐसे सुबह से लेके रात तक कितनी बार क्रोध कर लेते हैं, कितनी बार मान मायाचारी कर लेते हैं, कितनी बार हिंसा झूठ चोरी कुशील कर लेते हैं, कितनी बार कर लेते हैं, तो दिन भर हम अशुभ कर्म को बांध रहे कि नहीं बांध रहे। और जब अशुभ कर्म का उदय आता है, अरे भगवान हमने तो ऐसा कोई काम, इतने सीधे ना बनो बहुत किए हैं, जब से दिमाग थोड़ा सा तेज हुआ है तब से यही किया है, कुछ अच्छा काम तो कम किया है और बुरे काम ज़्यादा किए हैं। इसलिए कहते हैं जिन वाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, इससे पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि आपको पता हो जाएगा तो आप पापों से बच जाओगे, यदि आपको पता नहीं होगा तो पाप करते भी रहोगे, बांधते भी रहोगे और पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जैसे आप अपने धन को एक एक पैसे का एक एक रुपए का हिसाब रखते हो, पूरी खाता बही बनाते हो, पूरा आप हिसाब रख के यदि इसमें इतना पैसा कम हुआ तो कहाँ गया, यदि इसमें इतना ज़्यादा आया तो कहाँ से आया, आप एक एक पैसे का हिसाब रखते हो, ऐसे दिन भर में अपने एक एक विचारों का हिसाब रखना चाहिए कि मैंने आज क्या किया, कितना पुण्य किया और कितना पाप किया, मैंने कितना दूसरों का बुरा किया और कितना दूसरों का भला किया, और कितना अपना भला किया और कितना अपना बुरा किया। बात चल रही है रोग मरी दुर्भिक्ष ना फैले, बात इसकी चल रही है, और उसमें चल रही है ज्ञानावरण कर्म की बात, कि जो ज्ञान से संबंधित बीमारियां होती हैं वो सारी की सारी बीमारियां ज्ञानावरण कर्म से संबंधित होती हैं।
यदि ज्ञानावरण कर्म तीव्र है, ज्यादा बांध रखा है, तो बुद्धि का विकास होने वाला नहीं है। और यदि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ठीक है, तो बुद्धि का विकास ठीक है, लेकिन उस पर भी अभिमान मत करना। यदि आपकी बुद्धि तेज है, आप होशियार हैं, आप भोजन बनाने में होशियार हैं, आप दुकान चलाने में होशियार हैं, आप नोट गिनने में होशियार हैं, आप सामान खरीदने में होशियार हैं, तो आप अभिमान मत करना। ये क्षयोपशमी ज्ञान है, ये छाई ज्ञान नहीं है। ये क्षयोपशमी ज्ञान आज है और कल नहीं है। इसका कुछ पता नहीं है कि आज के बाद वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। और एक बात और सोच लेना कि ये ज्ञान जो अभी जवानी में अच्छा काम कर रहा है, यही ज्ञान बुढ़ापे में खत्म हो जाएगा, क्षयोपशम कम हो जाएगा। जैसे बचपन में बच्चे को ज्ञान कम होता है, ऐसे बुढ़ापे में भी जाके कम हो जाता है। बचपन में दिमाग की नसें विकसित नहीं होती हैं, वो इसलिए कम होता है, और बुढ़ापे में खराब हो जाती हैं, इसलिए कम हो जाता है। बुढ़ापे में कहना पड़ता ना, अरे तू उसकी बहू है क्या, अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाई। और कई बार तो ऐसी बीमारी हो जाती है, अम्मा जी ने एक घंटे पहले भोजन किया, आधा घंटे पहले, थाली लगा दे मेरी, खाने का टाइम हो गया। अरे अम्मा जी अभी तो खाया था। नहीं, मैंने कहाँ खाया। बुढ़ापे में जाकर के ऐसी बुद्धि हो जाती है। यदि इस समय बुद्धि अच्छी है तो घमंड मत करना, अभिमान मत करना, क्योंकि आज है और कल नहीं, इसका पता नहीं है, हैं? और आप मिली है ये बुद्धि तो इससे धर्म कर लेना, इससे ज्ञान उपार्जन कर लेना, इससे स्वाध्याय कर लेना, इससे भगवान का ध्यान लगा लेना, इससे आप पूजा कर लेना, भक्ति कर लेना, भक्तांबर याद कर लेना, ताकि बुढ़ापे तक काम आ जाए। यदि दिमाग में अच्छी चीज़ रहेंगी तो बुढ़ापा अच्छे से निकल जाएगा, और दिमाग में यदि आपने अच्छी चीज़ नहीं रखी तो बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। तो ज्ञानावरण कर्म, कौन सा वरण? ज्ञानावरण। अब आप देखिए, इसमें दो तरह की कर्म प्रकृतियाँ होती हैं। जो आठ कर्म की 148 प्रकृतियाँ हैं, इसमें दो तरह की हैं, एक सर्वघाती, एक देशघाती। आप कहोगे, आप ये क्या कह रही हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये सर्वघाती क्या है, देशघाती क्या है। मैं समझाती हूँ आपको। जिन, जैसे ज्ञानावरण में पाँच ज्ञान है, ज्ञान के कितने भेद हैं, पाँच, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। पांच ज्ञान है। पांच ज्ञान में से अभी मनुष्यों को कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। जो इंद्रिय कितनी है? पांच है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, हो गई पांच पूरी। अब आप अभी जो ज्ञान करते हैं वो किससे होता है? इन्हीं से ही होता है, देख के होता है, सुन के होता है, सूंघ के होता है, हैं, खा के होता है, चख के होता है, बोल के होता है, इसी तरह से ज्ञान होता है। और फिर ये सब चीज़ें मन से कनेक्ट रहती हैं, आँखें मन से कनेक्ट हैं। आपने क्या देखा वो मन के पास पहुंचा। कौन सा रंग है, कौन सा कलर है, कौन व्यक्ति है, कैसी बिल्डिंग है, ये किसने बताया? मन ने बताया। तो मन और इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। और उसमें जो विशेषता बताए, अब सामने बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कैसी बनी है, कौन से रंग की है, अच्छी है कि नहीं है, ये श्रुति ज्ञान बताएगा। मति ज्ञान ने तो देख लिया, जान लिया कि बिल्डिंग है, व्यक्ति है, कौन है, कौन से कपड़े पहना है, क्या करता, ये श्रुति ज्ञान का काम है। तो वर्तमान में केवल ये दो ज्ञान ही हैं, वर्तमान में केवल दो ज्ञान का क्षयोपशम है। तो जिनका, जिन ज्ञान का क्षयोपशम होता है उसे कहते हैं देशघाती। देश यानी थोड़ा, सर्व यानी ज्यादा, एक देश यानी थोड़ा और सर्व यानी ज्यादा। तो देशघाती, थोड़ा घात कर रहा है, थोड़ा उघाड़ के रखा है, थोड़ा काम करने दे रहा है और थोड़े को बंद रखा है, देशघाती। तो ये देशघाती प्रकृतियां हैं। और जो बिल्कुल ज्ञान ना होने दे, एक अक्षर को भी ना जानने दे,
उसको कहते हैं सर्वघाती। क्या कहते हैं उसे? सर्वज्ञाती। तो वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं है, मनः पर्याय ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, तो इन तीन का सर्वघाती प्रकृति का उदय है और दो का देशघाती का उदय है। तो अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान जब होने लगेगा तो उसका एक देशघाती हो जाएगा, और केवल ज्ञान हो जाए ओहो फिर तो किसी की जरूरत नहीं है, ना मति ज्ञान की, ना श्रुत ज्ञान की, ना अवधि ज्ञान की, ना मनः पर्याय ज्ञान की। पांचों ज्ञान होने की शक्ति हमारे अंदर में है। अब एक बात और बड़ी अच्छी सुन लो कि जो पांच ज्ञान हैं उन पांचों ज्ञान की होने की ताकत हमारे अंदर में है, हर आत्मा में है, शक्ति रूप में हर आत्मा में है। अभिव्यक्ति रूप में किस किस की हो रही है बात अलग है, अभिव्यक्ति रूप में भव्य की हो सकती है, अभव्य की नहीं हो सकती है। अभव्य में भी केवल ज्ञान शक्ति रूप में है मगर वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, भव्य जो है केवल ज्ञान शक्ति रूप में भी है और जब समय आएगा तो अभिव्यक्ति भी हो जाएगी। तो आप सबके अंदर ये पांचों ज्ञान हैं कि नहीं है? अरे बोलिए ना, हैं तो आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए। बताओ आपके पास तो अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ओहो हो है, ये तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। और हम केवल ज्ञान के धनी अभी तो घूम रहे हैं किताब लेके, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, अभी तो एक एक ज्ञान के लिए तरस रहे हैं। कहाँ गया वो केवल ज्ञान? सर्वघाती का उदय है। तो केवल ज्ञान कौन से ज्ञान से केवल ज्ञान होगा? अवधि ज्ञान से होगा कि मनः पर्याय ज्ञान से होगा कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से होगा? कौन सा ज्ञान है जो केवल ज्ञान प्राप्त करने में सहायक बनेगा? वो ज्ञान आपके पास में है कि नहीं है? चलिए बताइए आप, जिस ज्ञान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी वो ज्ञान आपके पास है कि नहीं है? अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो, नहीं है? ओहो हो नहीं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप चिंता ना करो, आपके पास में है वो ज्ञान जिससे केवल ज्ञान होगा। वो ज्ञान आपके पास में आज भी मौजूद है, आज भी है, जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है। वो ज्ञान है श्रुत ज्ञान। कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं होता है, मनः पर्याय ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं होता है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान होता है। जब आप इस श्रुत ज्ञान का छेवशम आप स्वाध्याय में लगाएंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा, फिर और लगाएंगे तो और बढ़ेगा, और लगाएंगे तो और बढ़ेगा, बढ़ते 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 ये केवल ज्ञान तक पहुंचा देगा। यदि आप अभी से शुरू नहीं करोगे स्वाध्याय करना, अब आपको ये ही नहीं पता कि आपके पास कितने ज्ञान हैं, आपको केवल ज्ञान कौन से ज्ञान से होना, आपको पता, जब आपको रास्ता ही नहीं पता है तो उस रास्ते पर चलोगे कैसे? और उस रास्ते पर चलने के लिए स्वाध्याय करना जरूरी है। बिना स्वाध्याय के आप इतना अपने आप को भाग्यशाली मानो कि भगवान महावीर की वाणी आज भी हमें पढ़ने को मिल रही है, आज भी शास्त्र मौजूद है। अरे बड़े मोटे मोटे शास्त्र होते हैं, कैसे पढ़ें, हमसे नहीं पढ़े जाते। अच्छा एमबीए की मोटी मोटी किताबें पढ़ी जाती हैं, डॉक्टरी की मोटी मोटी किताबें पढ़ी जाती हैं, सीए की 18-18 घंटे की पढ़ाई पढ़ी जाती है, और शास्त्र के नाम पर पढ़ा नहीं जाता है? क्यों नहीं पढ़ा जाता है? आपको धन से प्रेम है तो आप सीए बनना चाहते हो, आपको आत्मा से प्रेम नहीं है इसलिए शास्त्र नहीं पढ़े जाते हैं, आपको सुख से प्रेम नहीं है, किससे? अरे बोलो ना, सुख चाहिए तो नहीं ना? अरे बोलो ना, सुख नहीं चाहिए ना? चाहिए ही नहीं है, जब चाहिए नहीं इसलिए तो उस रास्ते पर चल नहीं रहे हो। यदि सुख जिस रास्ते पर मिलना है उस रास्ते पर चलो, स्वाध्याय से मिलेगा। जठे दिट्ठी बठे विट्ठी वही मोक्ष की चिट्ठी, सुख कहाँ आज यही है, अभी सुखी कर दें एक मिनट में आपको। भगवान की वाणी में इतनी ताकत है कि एक सेकंड में सुखी कर सकती है, एक सेकंड में। अब कैसे? अब आपके पास कितने तरह के दुख हैं
वो सारे के सारे संसार के हैं। कहाँ के हैं? संसार के हैं, है कि नहीं है? अच्छा, अब वो संसार में जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ क्या आप स्थाई हो? नहीं, आज हो और कल का पता नहीं है। बस यही सोच लो, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके यशवार, मरना सबको एक दिन, काय की चिंता करना, गया दुख आ गया सुख। सुख कहाँ है? आज भी हमारे पास में है, लेकिन हम तो बस सारे दिन चिंता लिए लिए घूमते रहते हैं। किसकी? कभी शरीर की, कभी बेटे की, कभी पत्नी की, कभी पति की, कभी नोट की, और इसी चिंता में दुखी रहते हैं और ये जन्म खत्म कर देते हैं। जबकि ये जन्म मिला है ज्ञान के माध्यम से सुखी होने के लिए। ज्ञान की बीमारी है अज्ञान। ज्ञान की सबसे बड़ी जो हमारे अभी बीमारी हमें, वो अज्ञान की बीमारी है। और अज्ञान की बीमारी कैसे दूर होगी? ज्ञान से दूर होगी। किससे दूर होगी? ज्ञान से दूर होगी। ज्ञान कैसे आएगा? शास्त्रों के माध्यम से आएगा, प्रवचन सुन के आएगा, भगवान की भक्ति करके आएगा, भगवान के ध्यान से दर्शन करके आएगा, यहाँ से ज्ञान आएगा। और जैसे ज्ञान आएगा, जैसे अंधेरा है, लाइट जलाई तो अंधेरे को डंडा मार के भगाना पड़ता है क्या? अरे बोलो ना, यदि आपने लाइट जला दी तो अंधेरे को भगाने में टाइम लगता है क्या? नहीं। कैसे भागता है? चुटकियों में भाग। जैसे ही लाइट जली, अंधेरा भाग गया। जैसे ही ज्ञान हुआ, सुख आ गया और दुख का अंधेरा भाग गया। यदि मान लो ज्ञान से सुखी होना है तो गरीब भी हो सकता है, और धन से सुखी होना है तो बड़ा आदमी भी दुखी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? धन से जरूरी नहीं कि सुख आ जाए। धन से हो सकता 100 दुख और आ जाए, लेकिन ज्ञान से सुख ही सुख आएगा। जंगल में मुनिराज रहते थे तो जंगल में रहकर भी सुखी रहते थे। जंगल में महल नहीं है, मकान नहीं है, कपड़े नहीं है, परिवार नहीं, फिर भी सुखी। और राजा महल में रह रहा है, रानियों के साथ रह रहा है, बच्चों के साथ रह रहा, फिर भी दुखी। तो सुख कहाँ से आता है? अरे बोलिए ना, ज्ञान से आता है। ज्ञान कहाँ से आएगा? दो तरह से है। दो, एक तालाब होता है, एक कुआं होता है। एक तालाब, तालाब में पानी बाहर से डाला जाता है और कुएं में पानी नीचे से आता है। पहले आप शास्त्र पढ़ो तो आपने वहां से लिया, फिर ध्यान में बैठो तो अपना कुआं खुद ही खोल लो, तुम्हारे अंदर में भरा पड़ा है, फिर मिल जाएगा तुम्हें। मेरी बात समझ में आ रही है? हैं? तो ज्ञान की बीमारी किससे, अज्ञान की बीमारी किससे ठीक होगी? ज्ञान से। ज्ञान कहाँ से आएगा? अभी फिलहाल श्रुत ज्ञान जो आएगा शास्त्रों से, प्रवचन से, यहाँ से आएगा। तो आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें धर्म का ज्ञान जरूर करवाना। छोटी छोटी किताबें, पतली पतली किताबें भाग सब जगह मिल जाते हैं, जहाँ से खरीदना चाहो मिल जाएंगे। और नहीं तो जब शिविर लगते हैं तो बटते हैं, और उस समय बच्चे पढ़ते हैं और लाके डाल देते हैं, पर अगले साल उठाते हैं जब अगले साल गर्मियों में शिविर लगेगा। अरे उनकी मम्मियों को चाहिए कि छुट्टी के दिन उन्हें लेकर बैठें और जो उन्होंने पढ़ा था शिविर में उसे दोबारा पढ़ाएं। देख बेटा, तूने ये पढ़ा था ना, याद है कि नहीं? 24 भगवान के नाम याद है कि नहीं? अपने बच्चों को सिखाएं तो बच्चों का भी स्वाध्याय होगा और तुम्हारा भी हो जाएगा। लेकिन मम्मी को कहाँ फुर्सत मोबाइल चलाने से, लगी रहती अपने मोबाइल है। और बच्चे यदि मोबाइल छीने, ए दूरट दूरट, खुद भी नहीं कर रही और बच्चों को भी। अब बच्चा कहाँ से दूर हटेगा? तुम मोबाइल चलाओगी तो बच्चा मोबाइल चलाएगा, तुम स्वाध्याय करोगी तो बच्चा स्वाध्याय करेगा, है ना? तो रोग मरी दुर्भिक्ष ना फैले। इन रोगों में सबसे पहला रोग है अज्ञान। कौन सा रोग है? अज्ञान। यदि ये रोग दूर हो गया तो बाकी के रोग तो अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। तो अज्ञान रूपी रोग को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त करें। और ज्ञानावरणी का कर्म का जो मैंने बताया कि श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान होता है, तो श्रुत ज्ञान को इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि वो केवल ज्ञान बन जाए।
बोले 2400 भगवान की।